Now we will start with topic chapter 4, capital structure. Capital structure and theories of capital structure and problems on capital structure. What is the object of financial management? Object of financial management is to maximize shareholders' wealth. And what is capital structure? Capital structure represents a combination or mix of different source of long-term funds in the total capital employed. Combination of कितना वेदर डेप्ट कितना है, इक्विटी कितना है, ये सब देखने का. कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन और मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी. इट रिफर्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी इज 50 लाख, एक कंपनी का 50 लाख कैपिटल है टोटल लॉन्ग टर्म फंड स्कीम के. ओके, एंड द वेरियस कॉम्बिनेशन which may be employed by the company are given below. देखो, इक्विटी कैपिटल 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 40 लाख, देन 10 लाख्स, 5 लाख्स, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है. डिवेंचर 5 लाख, 8 लाख्स, 18 लाख्स एंड 3 लाख्स. ईच ऑफ द कप अबाउ मिक्स इज अ पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है 50 लाख सब में, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन है कि नहीं. तो दिस डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, देयर कैन बी मेनी कॉम्बिनेशन. ओके, हाँ, हजारों हो सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. Financial structure refers to how assets of the firms are financed. It covers short-term as well as long-term sources of finance. Whereas capital structure consists of only, अगर हम short-term sources भी ले लें तो उसको फिर हम बोलते हैं financial structure. So capital structure नहीं बोलते हैं, because it talks about overall finance. But when we talk only mix of long-term finances, it is called capital structure. अभी प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी एक कैपिटल स्ट्रक्चर करते समय किन बातों को ख्याल रखना चाहिए? फर्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल. कॉस्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? व्हाट डज कॉस्ट प्रिंसिपल से? दैट यू मे हैव एनी स्ट्रक्चर बट see that the overall cost is cheaper. अब ऐसा है कि different sources of finance have different cost, वो हमने last chapter में देखा. तो हमको cost देखने का कि cost, for example, see here, a pattern of capital structure consists of finances from different source, such as equity, preference, long term. Each of the above source involves cost to the company. While selecting capital structure of the company, should consider the cost of financing. For example, debt finance may be cheaper. Preference capital finance as interest paid on debt. है ना? तो हमको cost का ख्याल रखना चाहिए ना. कोई भी source select करते समय उसकी cost तो देखनी पड़ेगी ना. तो debt
डेप्ट ज्यादा होगा, हाँ डेप्ट ज्यादा होगा तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन खाली वही बात नहीं है, रिस्क प्रिंसिपल, रिस्क देखने का, डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर शुड टेक इनटू अकाउंट द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, हाई कंटेंट ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बट लीड्स टू हायर रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होल्डर. अगर हम ज्यादा डेट लेंगे, मोर डिबेंचर्स इश्यू करेंगे, तो शेयर होल्डर्स को रिस्की नहीं लगेगा कि ये लोग बहुत उधार लेके बैठे हैं. ज्यादा रिस्क लेंगे तो उधार रिस्क, जिस ज्यादा उधार लेंगे तो रिस्की है कि नहीं. कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट टू एंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म. तो रिस्क नहीं होना चाहिए, रिस्क की बात भी ख्याल रखना चाहिए. ऑफकोर्स ये दो प्रिंसिपल है ना, अलग अलग है. जैसे डेट्स लेंगे हम, डेट्स लेंगे, डिवेंचर्स इश्यू करेंगे तो कॉस्ट कम होती है, लेकिन फिर रिस्क बढ़ जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्रिंसिपल, अगर इक्विटी ज्यादा रखते हैं वाइल डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस मैनेजर कैनॉट इग्नोर एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल लॉस्ट बाय द मैनेजमेंट. नाउ इफ यू आर इश्यूइंग मोर इक्विटी, तो डेफिनेटली यू विल इश्यू इक्विटी टू अदर्स. तो ऐसा नहीं हो जाए कि मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी आर गिवन टू अदर्स, तो तुम लोग को वो निकाल के बाहर फेंक देंगे. इश्यू ऑफ मोर एंड मोर इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक विल डाइल्यूट द एग्जिस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल पैटर्न. सिमिलरली इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इज लाइकली टू डिस्टर्ब और चेंज द कंट्रोल पैटर्न. इन कन्वर्टिबल डिबेंचर भी इश्यू करेंगे तो फ्यूचर में हमारा कंट्रोल जा सकता है कि नहीं, यू मे बी आउट ऑफ द कंट्रोल, नहीं हो कंट्रोल नहीं हमारे पास है कि नहीं. फॉलो दिस. फ्लेक्सिबल, तो रिस्क कंट्रोल, कॉस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्टेड और ऑप्टेड शुड बी सच दैट इट अलाउस फाइनेंस मैनेजर टू चेंज और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन. इट शुड बी मॉडिफाइबल, मतलब हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर में बी गुड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बट मे रिक्वायर चेंज ड्यू टू चेंज इन सिचुएशंस. तो सिचुएशन के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है. कंपेटिबल विथ कैश फ्लोस, कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइंड कीपिंग इन व्यू द पैटर्न ऑफ कैश फ्लोस जनरेटेड. इफ द पैटर्न ऑफ कैश फ्लो इज इरेटिक, कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी मोर इक्विटी. देखो, अगर हमारे पास फिक्स कैश फ्लोस नहीं है, फिक्स कैश फ्लोस, कभी पैसा आता है तो बहुत आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, फिर तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर मोर इक्विटी. कि आएगा तो इक्विटी वाले को दे देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे. हाँ, लेकिन इफ पैटर्न ऑफ कैश फ्लो इज स्टेबल, अगर पक्का कैश आने वाला है, तो फिर देन कैपिटल स्ट्रक्चर विद हायर कंटेंट ऑफ डेब्ट में बी अप्रोप्रिएट. फॉलो दिस. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वॉट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये हम लोग रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ेंगे, पर यहीं पढ़ लेते हैं. सुनो, बताता हूं. देखो क्या होता है कि ये चार टाइप के सोर्सेस है. इक्विटी शेयर कैपिटल, डेब्ट ज्यादा लेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि डेब्ट का कॉस्ट सबसे कम होता है. मालूम क्यों डेब्ट का कॉस्ट कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट लेता है ना. अगर हम बोलते हैं आई माइनस वन माइनस टी करते हैं कि नहीं, तो हमारा हम इंटरेस्ट भरते रहो, टैक्स बच जाता है कि नहीं. अगर समझो 11% 10% इक्विटी है, सॉरी प्रेफरेंस है, और 12% डेट है, लेकिन डेट में 40% बेनिफिट मिलेगा,
तो सीधा डेट कितना हो जाएगा, 12 में से 4.8 माइनस का 7.2 हो जाएगा, है ना। और प्रेफरेंस तो 10 का 10 ही रहेगा, हाँ समझा। तो ये प्रॉब्लम है डेब्ट का, लेकिन डेब्ट में रिस्क ज्यादा है ना। फिर इक्विटी जाएंगे तो इक्विटी में कंट्रोल ज्यादा है, कंट्रोल चला जाएगा। तो सब में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कैश फ्लो से कंपेटिबल। अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देखो, ये ना देखो, ये टोटल कैपिटल है 8 लाख, हाँ कितना है 8 लाख। इक्विटी और रिजर्व्स, ये फिक्स वाले कि नॉन फिक्स वाले बताओ। फिक्स नॉन फिक्स वाले। और प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, इनको 10% ही रखा है, समझ में आ रहा है। नॉन फिक्स टोटल कैपिटल इज 8 लाख, तो इनको हमने कमिट कितना किया है 10%। सपोज टैक्स नहीं है तो हम लोग को इस पे कम से कम 10% कमाना चाहिए कि नहीं। कैपिटल कितना अपना 8 लाख, तो हम लोग 10% सब पे कमाएंगे, वी विल अर्न 10% ऑन ऑल ना। अगर हम लोग सब पे 10% कमाते हैं तो इनको 10% देंगे, इनको भी 10 देंगे, तो इनको भी 10 मिलेगा कि नहीं। अब हमें इसका एक रेशियो निकालते हैं, फिक्स अपॉन नॉन फिक्स, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल गेयरिंग। ये फिक्स वाले कितने 6 लाख और ये कितने हैं 2 लाख, तो इनका गेयरिंग होगा 3। ये देखो, ये समझा, 3 गेयरिंग हुआ, हाँ फिक्स अपॉन नॉन फिक्स। अब ये 3 का मतलब क्या है, हाँ गेयरिंग बताता हूं क्या होता है कि गेयरिंग मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज। गेयरिंग का मतलब होता है डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, हम लोग है ना कोई भी चीज चलाते हैं, तो अगर हम एक पॉइंट इंप्रूव करते हैं ना तो हमको 3 पॉइंट बेनिफिट होता है, उसको गेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इफ यू इंप्रूव बाय 1 पॉइंट यू विल गेट 3 पॉइंट्स। मतलब एक कदम आगे बढ़ा तो 3 आगे जाने मिलेगा, इसको गेयरिंग बोलते हैं, समझा। जैसे रिलीजन में सब महीने होते हैं ना, होली मंथ होते हैं ना हर रिलीजन में, हाँ होली मंथ होते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, इसमें तुम लोग है ना 1 रुपया दान करोगे तो तुम लोग को इसका 5 गुना ज्यादा मिलेगा, तो गेयरिंग होता है, समझा। हाँ ऐसे स्कूटर में भी गियर होता है, साइकिल में भी गियर होता है, मालूम है ना। अभी गियर वाली साइकिल होती तो क्या होता है, इसमें थोड़ा दम लगाते हो तो साइकिल बहुत भागती है कि नहीं। विदाउट गियर वाली साइकिल में जितना दम लगाएंगे उतना ही भागेगी। गियरिंग वाली साइकिल में क्या होता है, हाँ स्पीड इंक्रीजेस विद लेस एनर्जी, मतलब तुम लोग थोड़ा चलाओगे तो बहुत आगे बढ़ेगा, है ना, तो उसको गेयरिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज। अब ये ना 3 है, ये समझना है इसमें, ये है ना, मैं टॉपिक इसको स्किप करके भी करा सकता था कि सीधा प्रॉब्लम कर लो बच्चे खुश, लेकिन उनको कभी गेयरिंग कभी नहीं मालूम पड़ेगा, आज नहीं मालूम पड़ा तो, क्योंकि वो कभी ध्यान से इतना पढ़ने वाला है नहीं गेयरिंग क्या होता है। देखो सी है, ये ना ये फिक्स अपॉन नॉन फिक्स है, वो गेयरिंग होता है।
अब ये तीन बोल दिया, लेकिन इसका तीन का मतलब क्या यार, क्या तीन? मैं बता रहा सी, अगर हम लोग ने 10% कमाया, क्या कमाया, 8 लाख सबका पैसा है, उसमें 10% कमाया तो कितनी इनकम होगी बोलो, 80,000 है ना, इसको कितना देंगे 40, और इसको कितना देंगे 20, तो 60 गया, बचेगा 20, तो ये 2 लाख रुपया है, 2 लाख में 20 तो सबको 10-10 मिला कि नहीं, ऐसा तो प्रिंट किया हुआ है, लेकिन मैं सी मैं बता दूं गेयरिंग क्या है। इसको सीयर, दिस इज एक्चुअली, डोंट थिंक इट बिकॉज इन एज ए स्टूडेंट ऑफ FM यू शुड नो इट, भले एग्जाम में आता हो नहीं आता हो, लेकिन गेयरिंग का मीनिंग बहुत बार बड़ा था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड गेयरिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं और कैपिटल गेयरिंग, रेशियो एनालिसिस में भी आएगा, लीवरेज में भी आएगा, वही है कंसेप्ट। एक का तीन कैसे होता है सुनो, देखो ये क्या है, हमारा टोटल कैपिटल है 8 लाख, क्या है 8 लाख है कि नहीं, उसमें इक्विटी 1 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स, चलो रिटेन्ड अर्निंग्स में यही लिख देता हूं, प्रेफरेंस कितना है 10% प्रेफरेंस, और डिवेंचर कितना है 10% वाले, तो इनको 10% दिया हमने। हाँ सुनो, अभी है ना, इफ कंपनी अर्न्स व्हाट, इफ कंपनी अर्न्स 10%, सपोज कंपनी ने कमाया 10% ऑन टोटल कैपिटल, तो कितना कमाएगी कंपनी, लेस इंटरेस्ट 40, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 20, तो बचा कितना 20, और इक्विटी फंड्स कितने हैं 2 लाख, तो इक्विटी को कितना मिला, इक्विटी रिटर्न्स 10% हुआ कि नहीं, ये पहले समझा मैंने क्या किया, अब प्रॉब्लम मेरा ये कि समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग समझा कि नहीं, तो तुम लोग बोलो ना, इतना टाइम जाता है उसमें खाली यार। अभी है ना, अभी सपोज तुम लोग ने 11% कमाया, कितना कमाया, तो तुम लोग ने 10 कमाया तो सबको 10 मिला कि नहीं, 10 कमाया ना तुम लोग ने तो सबको 10 मिला कि नहीं, इनको भी 10% दिया, सबको 10-10 मिला। अभी तुम लोग ने 11 कमाया ना, तो तुम लोग कितना कमाओगे बताओ, बोलो 88,000 है कि नहीं, हाँ कि नहीं, उसमें से तुम लोग डिबेंचर को कितना दोगे 40,000 दोगे, प्रेफरेंस को कितना दोगे, तो उसको तो 20 ही दोगे ना, तो बचेगा कितना 28,000 बच जाएगा ना, किस पे 28 लाख बचेगा, 28,000 किस पे बचेगा 2 लाख पे ना, हाँ इक्विटी वाले के 2 लाख है ना, इक्विटी फंड्स 2 लाख है, हाँ तो वो 14% हो गया कि नहीं, 28,000 डिवाइड बाय
14% मिल गया। तो देख 10 से 11 गए ना, 10 से 11 गए हम लोग, तो क्या होगा? ये तीन तीन बार ज्यादा बढ़ गया ना, ये तीन का गैप हो गया ना। अब हाँ, इसको गेयरिंग बोलते हैं। अगर 12% कमाते हैं तो 12% इंटू 8 लाख इज 96,000। इसमें से डिबेंचर्स को देंगे 40,000, इसमें से प्रेफरेंस को देंगे 20,000, तो बचेगा कितना हमारा? ₹36,000 बचेगा। ओके, 36,000 बचेगा 2 लाख पे ना। चलो कितना पहुंच गया? 18 रुपये पहुंच गए कि नहीं? समझ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं, सुनो। ये है ना, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये देखो, ये 10 था तो ये भी 10 था कि नहीं? आ रहा समझ में? अब अगर ये 11 हो गया तो इक्विटी को कितना मिलता है? 14। अच्छा, अगर ये 12 हो जाता है तो ये एक बढ़ा ना, तो ये भी एक बढ़ेगा प्लस 3 और बढ़ेगा, तो ये हो जाता है 18। अगर ये 13 होगा ना तो ये कितना हो जाएगा मालूम? चेक करना है कैसे? क्या कैसे चेक करेंगे भाई? 13% इंटू 8 लाख कितना होगा? 1,04,000 लेस डिबेंचर इंटरेस्ट। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000। तो बचा कितना? 60 गया तो 44,000 बचा। 44,000 ऑन 2 लाख, ये गेयरिंग आया समझ में कि नहीं? यस सर। लेकिन ये प्रॉब्लम भी है इधर। अगर इधर हमने 9% कमाया ना, इधर 10 तो कमाने, 10 का 10 इक्वल था कि नहीं? अगर 9% कमाया ना इधर, तो ये है ना 6% हो जाएगा। रिटर्न का परसेंटेज ये वाला, ये तो मैंने अपने आप से लिया ना कि अगर 10 कमाएंगे तो। ये वाला तो हमने बताया ना, देखो ये 2 लाख पे, 2 लाख पे 44,000 है, तो 44,000 डिवाइड बाय 2 लाख, ये 9 जाएगा ना तो सीधा 6 पहुंच जाएगा। हाँ, दोनों का डिफरेंट रेट होता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए सेम रेट लिया है। हाँ, अब मैं बताता हूं इसमें क्या है। सुनो, देखो ये मेरा हाथ है, ये पूरा कैपिटल है इसमें, पूरी प्रॉफिट है हाथ में आएगी। ये पूरे हाथ में प्रॉफिट आएगी,
इसमें सब लोग को 10-10% मिला, तो अगर 10% कमाया मैंने तो सबको 10 दूंगा, सबका 10 है। हां अगर 11 कमाया तो सब पे 11 कमाया कि नहीं, सब पे 11 कमाया, लेकिन मैं इक्विटी को और प्रेफरेंस को दूंगा कितना, 10, सॉरी प्रेफरेंस को और डिबेंचर को दूंगा कितना, 10, इनको 10 दूंगा, उनका 1% मैं खा जाऊंगा, इक्विटी वाले को दे दूंगा ना, सबका 11 था, जब 10 था तो सबको 10 मिला, जब 11 आया तो सबका 11 है, सबको 11 देना चाहिए, लेकिन मैं सबको 11 नहीं दूंगा, मैं व्हाट आई विल डू, आई विल गिव 10 टू डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनका 1% बचेगा मुझे, सबका 11 है, उनको मैंने 10 ही दिया, तो उनका 1% मेरे में ऐड हो जाएगा, लेकिन उनका 1% वो लोग मेरे से 3 times पावरफुल है, दे आर 6 lakhs और मैं तो 2 lakh खाली, तो दे आर 3 times मोर पावरफुल देन मी, तो उनका 1% मेरे लिए 3% काम करेगा कि नहीं, यस और नो? फिर अगर मैंने सबका 12 कमाया, 12 सबका 12 मैंने 12% कमाया समझो, तो मैं सबको 12 दे दूं तो खत्म, मेरा भी 12 हो, सबका 12 है, लेकिन मैं उनको 10 दूंगा तो उनको मैंने कितना कम दिया, 2, तो मेरा 12 था और 2, लेकिन ये 2 है ना वो लोग मेरे से 3 times ज्यादा पावरफुल है, तो 2 मेरे में मल्टीप्लाई बाय 3 होगा और मेरे को 12 + 6 मतलब 18 मिलेगा, आया समझ में? हाँ, फिक्स है नॉन फिक्स, बराबर, ओके। हाँ, इसको गेयरिंग बोलते, क्या बोलते इसको, कि तुम लोग 10 से आगे बढ़ोगे ना, अच्छा रिवर्स में आओगे तो भी ऐसे होने वाला है भाई, तुमने 1 कम कमाया, सब लोग ने सबका 9 कमाया लेकिन उनको 10 दोगे तो तुम्हारा भी 9 था, सबका 9 था, पर उसको तुम लोग ने 10 दिया तो 1 तुम्हारे में से जाएगा, पर वो उसका 1 मतलब तुम लोग का 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 में से। फॉलो दिस, इसको बोलते हैं गेयरिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब तुम लोग बहुत फटाफट बात, जैसे तुम लोग अगर रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब कितना कमाते हो, तो तुम लोग का डिसप्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है कि नहीं यार, क्यों, तुम लोग ने बहुत सारे फिक्स वाले लिए, यू आर टेकन टू मैनी फिक्स ना, हाँ अगर ये 14% होगा ना तो ये 26% पहुंच जाएगा, कैसे, 14 तो सबका है प्लस 4 × 3 3 times है ना, बोलो जिस 15 होगा तो 15 + 30 बोलो जिस, ये 4 बचा 5 बचा ना, और हाँ तो ये प्रॉब्लम है, ओके। अब है ना, the capital structure gearing is 3 implies that the returns on equity shareholders funds will be fluctuate 3 times in comparison to fluctuation in return on capital employed, wo ek hoga to ye 3 times zyada fluctuate hoga, in the above example the funds entitled to fixed rate of return is 6 lakhs and the funds such funds are entitled to 10% return, the total capital employed by the company is 8 lakhs 8 means that if the rate of return should be at least 10%, अरे यार लोगों को 10% बोला है, if the company earns more than 10% on capital, in such a case the preference shareholders and debenture holders will get a return of 10%, अगर कंपनी ज्यादा भी कमाएगी तो इक्विटी डिबेंचर्स को और प्रेफरेंस को तो उतना ही मिलने वाला है, द इक्विटी शेयर होल्डर विल इंजॉय द एक्सेस अर्निंग्स। अब देखो यहां पे दिया है पूरा, आउट ऑफ 88,000 सपोज, एक मिनट,
सपोज यू आर अर्निंग 11%, तो 88,000 कमाओगे, द कंपनी विल पे 10% टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, दैट इज 60,000, और बैलेंस रहेगा 28. द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स आर 2 लैक्स विच विल ऑन विच दे विल अर्न 28,000, सो द रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स विल बी 14%. ऑल्दो द कंपनी हैज अर्नड 11% ऑन द एंटायर कैपिटल, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गेटिंग फंड गेट अ रिटर्न ऑफ 14%. दिस इज बिकॉज द कंपनी हैज एंटर्ड अर्नड 11, विच इज 1% हायर देन पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर. ड्यू टू दिस इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी गेटिंग 11% प्लस 3 times ऑफ एक्सेस, दैट इज 11% प्लस 3%. दिस इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल गेनिंग रेशियो इज 3. अगर 9% कमाएंगे तो सीधा 6 पे आ जाएगा. आया समझ में? सो हैव यू फॉलोड दिस 2 questions? यस सर. ये प्रिंसिपल्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ डबल एज वेपन. नो मतलब क्या होता है कि हम लोग फंस भी सकते हैं इसमें. फिक्स कॉस्ट ज्यादा है ना, तो अगर तुम लोग ज्यादा कमाओगे तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम कमाओगे तो प्रॉब्लम हो जाता है ना. हाँ अभी है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स में क्या आता है, हम लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर दिया होता है और हम लोग को इवैल्यूएट करना होता है. वी हैव टू इवैल्यूएट द वेरियस स्ट्रक्चर विच आर गिवन.